हेलो नमस्कार भाइयों, कैसा आप सब। मैं हूँ प्रियांश। आज हमारे सामने खड़ी होंडा एलिवेट जो सीधा कंपटीशन देती है क्रेटा, सेल्टॉस, टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों को। गाड़ी के स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो मात्र 11 लाख रुपए एक्स शोरूम से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है और जो टॉप वेरिएंट की कीमत है आपको पड़ने वाली लगभग 16 लाख रुपए एक्स शोरूम तक। गाड़ी के कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो अभी आपके सामने खड़ा है इसका वाइट कलर। इसके अलावा आपके पास रेड, सिल्वर, ब्लू जैसे बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है बिकॉज यहाँ पर आपको मात्र 11 लाख रुपए एक्स शोरूम से ही LED में हेडलाइट्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री मिल जाती है और बहुत सारे फीचर जो हैं आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलते हैं, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज अगर कॉम्पिटिशन में देखा जाए तो क्रेटा वगैरह में आपको इतने सारे फीचर्स बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते। और अभी आपके सामने खड़ा है इसका ZX CVT वेरिएंट जिसकी कॉस्ट आपको लगभग पड़ने वाली है 16 लाख रुपए एक्स शोरूम और जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। कार के की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ऐसे कुछ की मिलेगी जो आप पहले भी होंडा की कार्स में देख चुके हैं। पीछे आपको मिल जाता है होंडा का लोगो। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक यहीं से आप होल्ड करके कार को स्टार्ट भी कर सकते हो अगर आपकी कार पार्किंग में लगी है तो। की को रखते हैं जेब में और बात कर लेते हैं कार के डायमेंशंस की। तो ऊपर आपको साइड में इसकी ओवरऑल दिख जाएगी डायमेंशंस जिससे आप पता कर पाओगे क्या इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट की जो ग्रिल है आपको आप देख पाएंगे ये टॉप वेरिएंट तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी में देखने को मिलती है और ये कुछ आपको पूरी मिलती है डिज़ाइन बीच में आपको मिल जाता है होंडा का काफ़ी बड़ा सा लोगो। और ग्रिल के ऊपर आप आओगे तो यहाँ पर काफ़ी चौड़ा सा क्रोम है। तो भाई जाहिर सी बात है होंडा की कार्स तो यहाँ पर आपको क्रोम ना दिखे तो ऐसा हो नहीं सकता। नीचे आप आओगे यहाँ पर आपको मिलती है भाई पूरी नीचे की ग्रिल जो है पूरी ब्लैक में सिल्वर फिनिश में आपको मिल जाती है। नीचे इसकी प्लेट काफ़ी बढ़िया सी और बम्पर पर आपको दिया गया है टोन का ऑप्शन। बात की जाए इसके हेडलैम्प्स की तो भाई ये टॉप वेरिएंट तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं और ये भाई पूरा LED का आपको मिल जाता है सेटअप जो आपको बेस से लेकर टॉप तक सारे वेरिएंट्स में देखने को मिलता है और भाई थ्रू इनका बहुत ही तगड़ा साथ है। आप चाहे इसके बगल में देखते हो ये वी वेरिएंट है, इसमें भी आपको सेम सेटअप यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ऊपर आप देखोगे यहाँ पर आपको DRL और इंडिकेटर दोनों का ये वर्क करती है, डुअल फंक्शनिंग आप इसे कह सकते हो। और नीचे आप आओगे यहाँ पर आपको LED में ऑफ़र किए जा रहे हैं फॉग लैम्प्स ब्लैक फिनिशिंग के अंदर है और इन दोनों का जो थ्रू है भाई साहब रात में बहुत तगड़ा सा आता है। ये नीचे भाई पूरी बम्पर आप देख पा रहे हो डुअल टोन आपको मिल रहा है। ये बॉडी कलर पे नीचे काफ़ी चौड़ी सी क्लैडिंग भी आपको देखने को मिलती है। फ्रंट की बात होगी और अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको लगभग 220 mm के आसपास ऑफर किया जा रहा है तो ख़राब रास्तों में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है इस कार में। बुलेट का जो एरिया है पूरा फ्लैट आपको काफ़ी लंबा सा देखने को मिलता है। डुअल आपको दिए गए हैं वॉशर, डुअल आपको मिल जाते हैं वाइपर्स, ये पूरा ग्लास पैनल। और इस कार में एडास वगैरह भी आता है तो यहाँ पर आप कैमरा वगैरह देख सकते हो इसके ग्लास पैनल पे। रूफ व्हील्स मिल जाती हैं आपको, यहाँ पर आपको दी गई है सनरूफ, पीछे मिल जाता है आपको शार्फिन एंटीना। ये होगी फ्रंट की बात। अब आते हैं भाई इसकी साइड प्रोफाइल पर। तो भाई ये इसकी पूरी साइड प्रोफाइल और ऐसे कुछ आपको अलॉयस मिल जाते हैं जो आप पहले भी होंडा की कार्स वगैरह में देख चुके हो। काफ़ी चौड़ी सी आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग भी दी जा रही है। और भाई ये है कुछ फ्रंट का सस्पेंशन ट्रेवल, ये भाई कुछ अलॉयस यहाँ पर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है। ब्रिजस्टोन के दो टायर हैं और जो टायर का प्रोफाइल है वो आपको मिलता है 215/55/R17 इंच के आपको अलॉयस देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए गाड़ी के ब्रेकिंग की तो आगे डिस्क मिलता है आपको और पीछे बट आपको यहाँ पर ड्रम ऑफर किया गया है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक मैं कह सकता हूँ। बट जो प्राइस है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है भाई, कम पैसे में आपको इतने सारे फीचर्स मिले हैं वही बहुत बड़ी बात है। क्लैडिंग वगैरह काफ़ी चौड़ी से आपको मिल जाती है। और भाई ये इसके साइड के मिरर्स हैं जो आपको काफ़ी बड़े साइज़ में मिलते हैं, जो आप पहले जो होंडा की WRV आती थी उसमें भी आप पहले देख चुके हो, इतने ही बड़े आपको वो RVM उसमें भी देखने को मिलते थे। इंडिकेटर्स के साथ में है और ये भाई इसका लेन चेंजिंग कैमरा, जैसे ही आप इसके इधर वाले इंडिकेटर को ऑन करते हो तुरंत ही आपका जो कैमरा है ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है जिससे आप अंदर से कार के अंदर बैठ के आराम से इधर का व्यू आराम से देख पाओगे। अगर इसके पिलर्स की बात की जाए तो इसका ए पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर पे और जो बी पिलर आपको मिलता है मैट ब्लैक। डोर गार्निश पे आपको ऑफर की जा रही है, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है। ये भाई इसके क्रोम के डोर हैंडल्स और भाई देख पा रहे हो जैसे ही मैंने हाथ इसमें डाला गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक, मतलब बटन भी दबाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर हाथ रखना है। ये देखिए अनलॉक, मतलब फीचर तो भाई भर भर के होंडा की कार्स में आपको देखने को मिलते हैं। ये भाई पीछे का पूरा व्हील और भाई ये इसका फ्यूल फेयर कैप है, 40 लीटर की आपको मिल जाती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर। तो ये भाई थी इसकी कंप्लीट साइड प्रोफाइल। बाकी नीचे आप देखोगे यहाँ पर क्लैडिंग के साथ आपको सिल्वर फिनिश भी ऑफर की जा रही है। अब भाई आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पे। तो आप लाइन से यहाँ पर देखोगे लाइनअप, ये भाई टॉप वेरिएंट है, ये भाई सेकेंड बेस है और उसी के बगल में काफ़ी सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। बट भाई बैक प्रोफाइल में आपको नीचे वाले वेरिएंट से
और ऊपर के विंड में ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। अगर आप वहाँ भी देखोगे तो सेम है लगभग, सिर्फ यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाता है वाइपर और वॉशर, वहाँ पर अब भी आपको डिफॉग मिलता है, सिर्फ वहाँ पर आपको वाइपर नहीं मिलता है, रिवर्स कैमरा आपको उसमें भी ऑफर किया जाता है। ये भाई पूरा ग्लास पैनल जिसमें आपको मिलता है हैलोजन स्टॉप लैंप, यहाँ पर आपको मिलती है वॉशर की प्लेसमेंट, यहाँ पर आपको डिफॉगर, यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाता है, ये इसका शार्पिन एंटीना, स्पॉइलर भी आपको दिया गया है। अगर बात की जाए इसके टेल लैंप्स की, वो आपको दिए गए हैं एलईडी में, जो सेम आपको वी वेरिएंट पे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, एलिवेट की बैजिंग काफ़ी बढ़िया सी क्रोम के अंदर, और इधर आप आओगे यहाँ पर आपको मिल जाती है आई वी टेक की बैजिंग। नीचे आपको मिलती है रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट, चार आपको मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4। और भाई ये पीछे की सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट, और पीछे का आपको मैं सस्पेंसर डब दिखाऊं तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा पूरा। तो बैक प्रोफाइल तो आपने देख ली, अब हम करते हैं इसके बूट को एक्सेस और आपको दिखाते हैं यहाँ पर बूट स्पेस कितना मिलता है। तो ये भाई रिवर्स कैमरा, और ये भाई मिलता है आपको यहाँ पर बटन जो कि मैग्नेटिक है, और ये भाई इसका पूरा बूट स्पेस जो सेगमेंट में आपको सबसे तगड़ा सा मिलता है, जो स्क्रीन पे आपको नंबर्स में दिख जाएगा। एक लैंप भी आपको इस इवेंट में ऑफर किया जा रहा है, साथ में आपको मिल जाती है काफ़ी बड़ी सी पार्सल ट्रे, स्पेस तो काफ़ी अच्छा सा है और ज़्यादा डीप नहीं है, जिससे आपको लगेज निकालने रखने में ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। स्पेयर व्हील की बात की जाए वो आपको यहीं पर मिलेगा, और टूल किट, जैक वगैरह सब कुछ यहीं पर है। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो ये आपको दिया गया है 215/60R16, 1 इंच आपको छोटा मिलता है, बाहर आपको 17 इंच के अलावा मिलते हैं, अंदर आपको 16 इंच का स्पेयर व्हील ऑफर किया जा रहा है। 60-40 रेशो में अपनी सीट को आप फोल्ड कर सकते हो, इसका लीवर आपको मिल जाएगा आगे। ये तो गए इसकी ओवरऑल बूट स्पेस की बात करते हैं इसके टेल गेट को बंद। तो भाई कार को आपने ओवरऑल एक्सटीरियर से तो देख लिया, बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर, वहाँ पर बैठ के चेक करते हैं आपको कैबिन में स्पेस कितना मिलता है, और फीचर्स जो आपको दिए जा रहे हैं लगभग 16 लाख रुपये एक्स शोरूम में क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके फ्रंट के कैबिन में, तो कि यहाँ पर ऐसे कुछ रहने वाली, इसको हम रखेंगे जेब में। और यहाँ पर आप देखोगे दोनों साइड आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, साथ में पैसिव कीलेस एंट्री आपको दोनों साइड ही ऑफर की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डोर पैड की, तो ये टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदर फिनिश भी देखने को मिलती है इसके डोर पैड में, जो काफ़ी बढ़िया सी पूरा आप ये देख पा रहे हो, ये भी सॉफ्ट टच लेदर है, ये भी सॉफ्ट टच लेदर है, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी। और ये भाई इसका ब्लैकआउट जो आपको मिलता है हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पर आपको दिए गए सारे कंट्रोल्स, इससे अपने आप साइड मिरर को कर पाओगे फोल्ड अनफोल्ड, यहाँ से आप कर पाओगे एडजस्ट, सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है, ड्राइवर साइड की विंडो आपको ऑटो मिलती है यानी कि वन टच, बाकी 3 आपको मिलती है मैनुअल। यहाँ पर आपको मिलता है थोड़ा सा स्पेस, और भाई ये आपको मिलता है बॉटल होल्डर के साथ अच्छा खासा स्टोरेज, यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पर आपको मिल जाती है ट्विटर की प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इसके फ्रंट के कैबिन की, तो नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं CVT के पेडल्स, ब्रेक और एक्सेलरेशन, यहाँ पर आपको मिलता है फ्यूल ओपन करने के लिए लीवर, नीचे आपको मिलता है बोनेट ओपन करने के लिए लीवर, बाकी यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिलता है हेडलाइट रेवलर, और डैशबोर्ड पे भी आपको सॉफ्ट टच लेदर फिनिश मिलेगी जो आप यहाँ पर सामने भी देख सकते हो। और यहाँ पर दिया गया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। फ्रंट सीटिंग की बात की जाए तो भाई ये कुछ लेदर की सीट्स यहाँ पर रहने वाली हैं, 2 आपको मिल जाते हैं हेडरेस्ट जो कि हैं एडजस्टेबल, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, रिक्लाइन का भी ऑप्शन है, और सीट काफ़ी वाइडर सी हैं, और जो अंदर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी सही सा मुझे लग रहा है, अभी बैठ के प्रॉपर चेक करते हैं। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये कुछ की जिसको हम रखेंगे यहाँ पर कप होल्डर्स के पास, और डोर को करेंगे बंद। तो भाई ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद ये कुछ आपको व्यू मिलता है पूरा, और विजिबिलिटी अगर देखी जाए आगे से तो काफ़ी अच्छी, आराम से आप इसको कर सकते हो ड्राइव बम्पर टू बम्पर। अब भाई कर लेते हैं इसके इग्निशन को ऑन, तो यहाँ पर आपको मिलता है बटन जिसको हम एक बार प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कार बन के आ रही है पूरे आपके, और भाई दोबारा जब इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो इग्निशन है वो ऑन हो जाएगा। और ये है भाई आपके सामने क्लस्टर जो मिलता है आपको सेमी डिजिटल, सारी चेकलाइट सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी में दी जाती हैं। ये इसका है भाई RPM जिसमें मिलती है आपको 8 तक की मार्किंग, और ये है भाई इसका स्पीडोमीटर जिसमें मिलती है आपको 180 तक की मार्किंग। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, अगर क्रेटा वगैरह में देखा जाए तो वहाँ पर आपको 240 तक की मिल जाती है मार्किंग, बट यहाँ पर आपको सिर्फ 180 तक की मार्किंग ही दी गई है, बीच में आपको MID देखने को नहीं मिलती है, बीच में आपको दिया गया है डिजिटल स्पीडोमीटर, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, बाकी यहाँ पर आपको मिलता है भाई इसकी MID। इसको कंट्रोल कहाँ से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इसकी लाइट को तेज़ धीम करने के लिए है, आपको अपने स्टेयरिंग से इसको करना पड़ेगा इसे कंट्रोल, जिसको आप यहाँ से ये देख पा रहे हो बटन, इसको मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, ये मैंने क्लिक किया तो देखो ये आ गया,
ये देखिए टैगोमीटर, रेंज, स्पीड टाइम, जी मीटर, सेफ्टी सपोर्ट, मतलब जितने भी फीचर्स हैं आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। आप आराम से इसको कंट्रोल करके चेंज वगैरह यहीं से कर सकते हो। सेटिंग में जाओगे आप, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसी में ही देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। और स्टीयरिंग के पीछे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स। अगर ओवरऑल स्टीयरिंग की बात की जाए तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है जो कि ब्लैक में है। यहाँ पर आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सिल्वर सी फिनिश देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके ऊपर भी आपको लेदर फिनिश मिल रही है स्टीयरिंग पे, जिससे आपको ग्रिप जो है गाड़ी चलाते वक्त बहुत अच्छी सी मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलते हैं क्रूज और इलेक्ट्रिक क्रूज के सारे कंट्रोल्स। एडास आ रहा है तो यहाँ पर आपको सारे जो फीचर्स हैं लेन की पैसेज लेके सारे जो फीचर्स आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। आप यहीं से इसको ऑन कर पाओगे, ये देखिए ऑन हो गया। यहाँ से इसको मैंने बंद किया, यहाँ से आप पूरा इसको चेंज कर सकते हो। अगर बात की जाए स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की तो नीचे आपको मिल जाता है लीवर, जिसको आप आगे की तरफ अगर प्रेस करोगे तो ये भाई हो गया अनलॉक। अब इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, टिल्ट और टेलीस्कोपिक। इसको कर देते हैं यहाँ से फिक्स। और भाई अब आ जाते हैं इसके सेंटर कंसोल में। तो ये भाई आपके सामने टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम। सेटिंग में गए भाई, मतलब बहुत सारे जो फीचर्स हैं आपको इसी में ही देखने को मिलेंगे लगभग, जितने भी इसमें फीचर्स आते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और गाड़ी के अगर रिवर्स कैमरे की बात की जाए तो ज़रा लगाते हैं गाड़ी के रिवर्स गियर को। ये लगाया मैंने रिवर्स गियर और ये भाई आ गया इसका पीछे का पूरा व्यू। और आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, तीन मोड्स आपको मिलते हैं, जूम, वाइड और नॉर्मल, जो आप यहाँ से आराम से यूज़ कर पाओगे। और अगर आपको साइड का कैमरा ऑन करना है तो आप इस इंडिकेटर को दे सकते हो, जिससे आपका साइड का कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। और अगर आपको इंडिकेटर नहीं देना है फिर भी आप साइड व्यू देखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। साइड में यहाँ पर आपको दिया गया एक बटन, इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये मेरा भाई साइड का व्यू ऑन हो गया। देख पा रहे हो मतलब फीचर्स क्या भर भर के आपको मिल रहे हैं। बाकी नीचे आप आओगे यहाँ पर आपको दो एसी के वेंट्स, यहाँ पर आपको मिलता है एज लाइट का बटन, और ये भाई इसके एसी के सारे कंट्रोल्स, और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में है। नीचे आपको मिलता है थोड़ा बहुत स्पेस, यहाँ पर आपको दिया गया है एक वायरलेस चार्जर जो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको मिलता है 12 वॉट का चार्जिंग पोर्ट, दो आपको मिलते हैं यूएसबी के पोर्ट्स, नीचे मिलते हैं आपको दो कप होल्डर्स। और भाई ये इसका गियर नॉब, सीवीटी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं सीवीटी के सारे मोड्स, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलता है। मैनुअल आपको दिया गया है हैंड ब्रेक, और ये भाई फ्रंट का आर्मरेस्ट जिसके अंदर भी मिलता है आपको सेपरेट स्पेस। और भाई सामने डैशबोर्ड पे तो आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच लेदर फिनिश ऑफर की ही जा रही है, ऊपर आपको मिलता है हार्ड प्लास्टिक ब्लैक में। बाकी ये जो आप देख पा रहे हो पार्ट, ये सब पूरा सॉफ्ट टच लेदर फिनिश है, बहुत ही बड़ा सा फील लेके आता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वुडन फिनिश भी दिया जा रहा है, जो कॉम्बिनेशन अलग देखा जाए तो अंदर कैबिन का वो बहुत अच्छा सा है। ऊपर की बात की जाए तो ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है एक मिरर कवर के साथ, यहाँ पर भी आपको मिलता है ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपको मिलती है वाइट लाइट्स, एक सनरूफ भी आपको दी जा रही है जिसकी हम बात अभी करेंगे। और भाई ये है इसका ऑटोमेटिक डे नाइट IRBM, और आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया सा आपको देखने को मिलता है। और करते हैं इसके सनरूफ को ओपन, वन टच है, एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा सनरूफ जो है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। को पैसेंजर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है एक मिरर, और यहाँ पर आपको लाइट भी ऑफर की जा रही है। अब करते हैं भाई इसके सनरूफ को बंद, वन टच रहने वाली, एक बार प्रेस करेंगे ओपन हो जाएगी, एक बार प्रेस करेंगे बंद भी हो जाएगी। साइड में आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल। अगर बात की जाए गाड़ी के एयर बैग्स की तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 और फ्रंट की सीटिंग में भी आपको यहाँ पर एयर बैग देखने मिलते हैं। तो टोटल आपको यहाँ पर 6 एयर बैग्स गाड़ी में ऑफर किए गए हैं, जो सेफ्टी के पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ओपन करते हैं सबसे पहले इसके डोर्स को, क्रोम में आपको दिए गए हैं डोर हैंडल्स। बाकी ये भाई इसका पीछे वाला पूरा डोर पैड जो आपको मिलता है ड्यूअल टोन में, बढ़िया सॉफ्ट टच लेदर फिनिश के साथ में, जो आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये इसके ट्विटर है, यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पर आपको पावर कंट्रोल, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक। और भाई ये इसको डोर ओपनर जो है ये थोड़ा सा मुझे डिस्पॉइंटिंग लगा भाई, अगर क्रोम में देते तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज आप यहाँ पर 16 लाख रुपये एक्स शोरूम पे कर रहे हो कंपनी को। ये भाई इसका पूरा हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदर फिनिश मिल जाती है। रियर कैबिन की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा से यहाँ पर लेग स्पेस लग रहा है, बैठ के प्रॉपर चेक करते हैं। लेदर की सीट्स आने वाली हैं जो आप देखते हो ब्राउन कलर में, और पीछे आपको मिलते हैं दो हेडरेस्ट काफ़ी बड़े बड़े से, और ये एडजस्टेबल है। सीट बेल्ट आपको 1, 2, 3 देखने को मिलती हैं। और भाई ये कुछ आपको मिलता है पूरी सीट, और अब हम बैठेंगे गाड़ी के अंदर। तो जो मेरी हाइट है वो है 5 फुट 11 इंच, और लेग स्पेस आप यहाँ पर चेक करो भाई कितना साइज़ आपको मिल रहा है,
मतलब आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए, फिर भी यहाँ पर आप जो लेग स्पेस देख रहे हो कितना ज़्यादा है। मेरी हाइट भी ऐसा नहीं कि कम है भाई, 5'11" बहुत होती है अगर नॉर्मल बंदे के हिसाब से देखा जाए। सेंटर की बात की जाए तो फ्रंट आर्मरेस्ट के साथ पीछे आपको मिल जाते हैं 2 AC के वेंट्स। नीचे आपको मिलता है एक चार्जिंग के लिए पोर्ट जो है 12 वॉट का। रियर में भी आपको मिलता है एक आर्मरेस्ट जिसको मैं एक बार निकाल के आपको दिखाता हूँ, ये रहने वाला है। और भाई खैर अब आपको होंडा की कार्स में फिक्स मिल रहा है आर्मरेस्ट, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। होंडा सिटी तक में जिसमें आप 16 लाख रुपये 17 लाख रुपये पे करते थे, उसमें भी आपको जो पीछे का आर्मरेस्ट दिया जा रहा था पहले भाई बहुत ढीला ढला था, बट अब आपको यहाँ पर फिक्स मिलता है जो सही है भाई। कम से कम ये तो होंडा ने अपनी गाड़ी में सुधार लिया। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये भाई पीछे की पूरी पार्सल ट्रे, ऊपर आपको मिल जाता है एक लैंप जो कि वाइट लाइट आपको मिलेगी, साइड में ग्रैब हैंडल है। और ये भाई पूरा साइड का पूरा डोर पैड और ये ग्लास पैनल, तो ग्लास पैनल का जो साइज़ है अगर देखा जाए तो काफ़ी साइज़ है। कार के अंदर बैठ के आपको व्यू जो है बहुत अच्छा आएगा अगर आप ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो, मतलब आप आराम से हर कोने से बढ़िया सा व्यू लोगे, पीछे वाले ग्लास से, साइड वाले ग्लास से, आगे वाले ग्लास से, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। अगर बात की जाए इसके हेड स्पेस की तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो हेड स्पेस है वो भी काफ़ी सही सा मिल रहा है मुझे, और साइड में मुझे ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और ये भाई कुछ नई स्पेस, अगर सेटिंग पोजीशन देखी जाए तो मेरी कुछ ये रहने वाली है और सही है भाई, सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है और जो सीट का कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। अब भाई बात करते हैं इस गाड़ी में आपको इंजन कौन सा ऑफर किया जा रहा है, तो इंजन वही रहने वाला है होंडा सिटी वाला 1.5 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन जिसमें आपको लगभग 120 BHP की पावर और 145 Nm का मिल जाता है टॉर्क। माइलेज की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है लगभग 15, 16, 17, 18 के आसपास, रियल लाइफ में क्या निकालेगी आपके ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। और अब दोबारा से बात करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की, तो अभी आपके सामने खड़ा है इसका ZX CVT वेरिएंट जो बिल्कुल टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको एडास से लेकर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लगभग 16 लाख रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है और 19,40,000 के आसपास आपको ऑन रोड लखनऊ कॉस्ट करने वाली है। तो इस प्राइस में अगर देखा जाए, अगर आपका बजट टाइट है, आप इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसका वी वेरिएंट भी परचेज़ कर सकते हो जिसमें आपको मतलब लुक्स वही मिलेंगे, वही तगड़ा मिलेगा ग्राउंड क्लियरेंस। सिर्फ चेंज आपको क्या मिलेगा, पीछे आपको वाइपर नहीं मिलेगा, अंदर आपको बड़ा सा टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, बट आपको जो काम वाले फीचर्स हैं, कीलेस एंट्री आपको इसके बेस वेरिएंट से ही ऑफर की जाती है तो वहाँ पर भी आपको मिलेगी, LED में हेडलाइट्स मिल जाएंगे और वो वेरिएंट आपको लगभग 14-15 लाख के आसपास मिल जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आप उस पर जा सकते हो। अगर आप भी लेने का प्लान करें होंडा की कोई भी कार्स, तो आप विजिट कर सकते हैं स्टैंडर्ड होंडा भिटौली सीतापुर लखनऊ, जहां पर आपको मिलेगी काफ़ी अच्छी सी डील्स। मैं प्रयास आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।